हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक होम्योपैथिक दवा नाम और तस्वीर के साथ देश के हर हिस्से में लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंच रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह पर होम्योपैथिक दवा बांटी जा रही है। क्या यह दवा कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकती है, इसकी हमने पड़ताल की है, आप भी देखिए। दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। दवा की तस्वीर के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है जनहित में जारी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सलाह दी है कि आर्सेनिक एल्बम 30 का सेवन करें। ये एक होम्योपैथी दवा है जिसे अगर 3 दिन तक लिया जाए तो कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। मैसेज में सबसे नीचे होम्योपैथी डॉक्टर संजय गुप्ता का नाम लिखा है। देश इस वायरल मैसेज और आर्सेनिक एल्बम 30 की हकीकत जानना चाहता है क्योंकि इसे आयुष मंत्रालय के हवाले से वायरल किया जा रहा है। हमने 2 पहलुओं पर इस मैसेज की तहकीकात शुरू की। पहले हम होम्योपैथी डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि उनसे पूछ सके कि इस दवा का क्या असर होता है, ऐसी कोई दवा है या नहीं। और दूसरे मोर्चे पर हमने आयुष मंत्रालय से संपर्क किया और पूछा कि क्या आपने आर्सेनिक एल्बम 30 दवा को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की है। दवा किस हद तक कारगर है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर और करौली धौलपुर से सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया। मैं बड़े विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि होम्योपैथिक में भी एक बहुत प्रभावशाली दवा इसके लिए उपलब्ध है जिसको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में लिया जा सकता है कि जिसकी सफलता की रेट ऑलमोस्ट 100% तक संभावना है। कौन सी दवा है डॉक्टर? आर्सेनिक एल्बम 30 अगर दिन में 2 या 3 बार उसको 3 दिन के लिए लिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि 99.99% केसेस में वो बहुत सफल होगी और ऐसे मरीज को कोरोना वायरस होने की संभावना नगण्य होगी। लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 को बांटने की सलाह किस आधार पर दी गई, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सीधे आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद नाइक से बात की। सुनिए उनका जवाब। कोरोना वायरस जहाँ से शुरू हुआ तभी हमारे सभी मंत्रालय के सभी जो पैथी है उस पैथी में थे क्या क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे पास जो कुछ दवा है आयुर्वेदा में है यूनानी में है होम्योपैथी में, वो हमने 19 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी की थी। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमारे पास जो है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इफेक्ट होती है इस वायरस में तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मदद करने के लिए हमारे पास ये है करके मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ये हमने किया था, हमने कभी क्लेम नहीं किया ये परफेक्ट मेडिसिन है करके। सो आप स्वच्छता रखिए और इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम है हमारे पास ये है, हमने वो जारी किया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी दवा बांटने की एडवाइजरी जारी की थी। ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है जो किसी भी फ्लू से लड़ने के लिए जरूरी होता है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।